हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में 1090 चौराहे पर हैं। यहीं परिचित है लखनऊ की बहुत ही प्रसिद्ध गोमती रिवर फ्रंट, तो उसको हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमारे साथ में हमारे मित्र डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी और विनीत शुक्ला जी, दोनों लोग आए हुए हैं और इन्होंने आज नया मोबाइल में खरीदवाया है। अच्छे तृतीया है आज, तो इस अवसर पर हम लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। आप भी वीडियो को इन्जॉय करिए, मुस्कराइए। आप लखनऊ में हैं, लखनऊ बहुत ही बेहतरीन शहर है। जब भी आप लखनऊ आएँ तो लखनऊ की इस प्लेस को विजिट करना ना भूलें, और ख़ासकर शाम के दृश्य को। 1090 चौराहा शाम में बहुत ही अच्छा लगता है, और इसे सटी हुई गोमती रिवर फ्रंट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार भी यहीं है, वो भी आपको हम दिखाते हैं वीडियो में। ये है, ये गोमती रिवर फ्रंट का बोर्ड लगा हुआ, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। तो हम चलते हैं। गोमती नदी रिवर फ्रंट का काम इको फ्रेंडली ग्रीन थीम पर आधारित है। इसको लंदन की टेम्स नदी के आधार पर विकसित किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर रिवर फ्रंट परियोजना में गोमती के किनारे पर स्टेडियम का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा गोमती के किनारे पर जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक भी बनाए गए हैं। गोमती रिवर फ्रंट यानी युवाओं का सबसे पसंदीदा अड्डा, जहां पर उन्हें मॉर्निंग वॉक के साथ ही अपने दोस्तों के साथ कुछ पल सुकून से बिताने का सुखद मौका मिलता है। शहर के शोर शराबे से दूर गोमती नदी के किनारे इस गोमती रिवर फ्रंट में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास है। लखनऊ जंक्शन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गोमती रिवर फ्रंट। अम्बेडकर पार्क के पास स्थित लखनऊ टूर पैकेज के हिस्से के रूप में घूमने के लिए अद्भुत स्थानों में से एक है। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अपनी गाड़ी पार करने के बाद चलते हैं गोमती रिवर फ्रंट का भ्रमण करने के लिए। गोमती उपवन, गोमती रिवर फ्रंट हम लोग चल रहे हैं। टिकट कितने का है? 10 रुपये का। हाँ यार, टिकट दिन का सही। ये गोमती रिवर फ्रंट, फूल तोड़ना, खाना पकाना, टेंट लगाना, लाउड स्पीकर बजाना, शूटिंग करना, कपड़े धोना, नहाना, पॉलीथीन फेंकना, फालतू जानवर, धूम्रपान, जुआ खेलना, पतंग उड़ाना, हॉकी फुटबॉल खेलना, ये सभी यहाँ पर मना है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। भेलपुरी का भी आनंद ले सकते हैं यहाँ पे। पॉलीथीन प्रतिबंधित क्षेत्र है ये। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एंड ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। ये भेलपुरी, और सामने बिल्कुल गोमती रिवर फ्रंट, और ये गोमती नदी के बिल्कुल किनारे हम पहुंच गए हैं। ये है असली रिवर फ्रंट। यहाँ से दिखाते हैं, आप देखिए लाइटिंग कितनी सुंदर सी लगी हुई है पूरे ब्रिज पर, गोमती नदी का ये पुल, और बहुत सुंदर सुंदर सी लाइटिंग है इसके ऊपर। और ये गोमती नदी देखिए, वैसे तो नदी का जो पानी है वो काफ़ी गंदा है, यहाँ पर बहाव शून्य है, बिल्कुल बहता हुआ पानी नहीं पता चल रहा है, लेकिन व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा इस साइड का भी दृश्य आपको हम दिखाते हैं। गोमती रिवर फ्रंट का जो शाम का दृश्य है वो बहुत ही अच्छा है, हरियाली है, और यहाँ पे दिन में भी यदि आप आएंगे तो बहुत सारे देखिए पेड़ लगे हुए हैं, तो आप इनकी छाया में भी बैठ सकते हैं। दस रुपये का पास है, तो पास की धनराशि बहुत ही अल्प है, शायद मेंटेनेंस के लिए इतनी फीस ली जा रही है, जो सही है, होना भी चाहिए। किसी चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए धनराशि अवश्य लेनी चाहिए। और यहाँ पे जो ये लाइट है उनका एक विशेष व्यू दिखता है यहाँ पर, और वो जो पानी में अभी आप देख रहे थे, पानी में जब इनका प्रतिबिंब पड़ रहा था तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था। ये देखिए, आप इधर देख सकते हैं, ये सामने जो अभी आप देख रहे थे ये गोमती रिवर फ्रंट का पूरा नदी के किनारे का व्यू था। थोड़ा सा हम आपको अंदर की तरफ, इधर की तरफ पार्क स्थित है उधर दिखा देते हैं। ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है, हम चूँकि यहाँ पे शाम को आए हुए हैं इसलिए बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम कुछ
यहाँ पर दिखा सकें। बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, हमारे मित्र लोग भी हैं पीछे। यहाँ पर हमारे मित्र लोग आ चुके हैं, ये बैठे हुए हैं, दोनों लोग थक चुके हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब, क्या थकान ज़्यादा आ गई क्या? हाँ, ये शुक्ला जी भी हैं, ये तो थोड़े से चलने में थक जाते हैं। और यहाँ पे आप इन दृश्यों का आनंद लीजिए, देखिए प्रतिबिंब कितने शानदार लग रहे हैं। चल ये जो रात को यहाँ पे लाइटिंग की गई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। दोनों में एक देखिए ग्रीन लाइट है और येलो लाइट पेड़ों पे जब पड़ती है, देखिए कितनी सुंदर नज़र आती है। तो अंदर भी थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये सो पीसेस लगे हुए, गोमती रिवर फ्रंट के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और हम आपको दे देते हैं। 2016 में इसका उद्घाटन किया गया। गोमती रिवर फ्रंट पार्क का निर्माण गोमती नदी के संरक्षण और विकास की चिंता के साथ किया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। यह नदी पीलीभीत के माधव टांडा से निकलती है, लखनऊ को पार करती है और अंततः जौनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती रिवर फ्रंट पार्क का मुख्य आकर्षण संगीतमय फव्वारा है, जो बहुत विशाल है और नदी के दोनों किनारों से देखा जा सकता है, जो सैकड़ों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा अन्य सुविधाओं में एक विशाल एम्फी थिएटर, लगभग 20,000 सीटें हैं, वह है साइकिलिंग और जॉगिंग ट्रैक, नौकायन, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र आदि शामिल है। यह स्थान आगंतुकों को गोमती नदी की सुंदरता का अनुभव कराने की अनुमति देता है और इसके शांतिपूर्ण वातावरण के कारण यह प्रत्येक व्यक्तियों, मित्रों और परिवार के लिए बेहतरीन हैंगआउट स्थानों में से एक है। इसके भ्रमण का समय प्रातः 11 बजे से रात 9 बजे तक है। इसके साथ ही म्यूजिकल फाउंटेन का समय शाम 7:30 से रात 9 बजे तक है। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी अवगत कराइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोज आपको प्राप्त होती रहें। हम तो पूरा रिवर फ्रंट घूम के आ गए और यहाँ पर विवेक जी, अभिनीत जी इधर ही बैठे हुए। तो हम लोगों ने पूरा लखनऊ को गोमती रिवर फ्रंट देखा। विवेक जी, आपको कैसा लगा? आप तो लखनऊ में रहते ही हैं, कैसा लगा बताइए आप। बहुत बढ़िया है, पहले से थोड़ा कम व्यवस्था है लेकिन अच्छा है। और आपको विनीत जी कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मेरा तो पहली बार का आना हुआ यहाँ पर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन आप चले नहीं, आपने देखा कुछ नहीं है, सिर्फ यही बैठे रहे और बता रहे थे थकान मुझे ज़्यादा लग गई है। फिर भी हम लोग अब यहाँ से चलते हैं, अभी कुछ और दिखाते हैं, फिर इस वीडियो से हम विदा लेते हैं और ऐसे मस्ती करते हुए अपने समय को हम व्यतीत करते हैं। ये सामने बहुत सारे स्टॉल्स हैं, ये है लखनऊ की चटोरी गली, यहाँ से प्रारंभ होती है, लगभग 100 मीटर के बाद ये पूरी गली है। इधर से आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए, और राइट हैंड पे ये महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन 1090 चौराहा है, आगे मुख्यालय है ये, वुमेन पावर हेल्पलाइन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, ये आई लव हमारा लखनऊ। 1090 चौराहे पर ये ब्रह्मोस मिसाइल
प्रदर्शित की गई है। इस मिसाइल का निर्माण लखनऊ में ही किया जाता है। पूरा दृश्य आपको हम एक बार, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है उससे राइट टू लेफ्ट पूरा व्यू दिखा देते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, गोमती रिवर फ्रंट दाएं जाने के लिए इधर दिखाया गया है। और ये मुस्कराइए आप लखनऊ में हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आई लव हमारा लखनऊ ये भी लगाया गया है। लोग यहाँ पर फ़ोटो सेल्फी क्लिक करवाते हैं। और ये पीछे मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090, ये आप देख सकते हैं। चौराहा काफ़ी बड़ा, काफ़ी सुंदर। ये ब्रह्मोस मिसाइल, गोमती रिवर फ्रंट जाने का ये रास्ता, इस पे हम चल रहे हैं। गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ था। इधर से ये रूट बंद कर दिया गया है, तो हम पीछे से आके भी आपको दिखाते हैं। ये वीडियो में जो आप सामने फुटेज देख रहे हैं ये गोमती रिवर फ्रंट का है। बहुत सुंदर सा पार्क, गोमती नदी से बिल्कुल सटा हुआ, दोनों तरफ है, दोनों तरफ पक्की कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं। बहुत ही सुंदर सा दृश्य है यहाँ पर, ये आप शाम के समय देख रहे हैं, बिल्कुल अभी अंधेरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।